हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए देखते हैं कि हमें जब हम प्रोडक्ट आईडी को प्राइमरी की बनाते हैं, ये देखिए प्राइमरी की का साइन है, या मैं दिखाता हूँ, ये प्रोडक्ट आईडी मैंने यहाँ पे प्राइमरी की बना रखी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए शुगर प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की है तो शुगर की प्रोडक्ट आईडी 1 हो गई, तो जैसे ही हम 1 यहाँ प्रोडक्ट आईडी डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि प्राइमरी की एक यूनिक की होती है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे इसी के बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे, अब जैसे ये प्राइमरी की है तो अभी हम यहाँ प्राइमरी की नहीं देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देंगे नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम अगर प्रोडक्ट आईडी देते हैं तो इसको हम फॉरेन की बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फॉरेन की। फॉरेन की प्राइमरी की से डिफरेंट होती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी कर दिया हमने, और यहां पे करेंगे हम एम एन पी। एम एन पी क्या होता है? मैन्युफैक्चर। तो एम एन पी कर देते हैं, ठीक है। ये जहां से मैन्युफैक्चर होगा उसका जो कुछ कोड होगा वो यहां पे लिखा जाएगा, और इसको हम बना देते हैं प्रोडक्ट मतलब यूनिक की, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे इसको और यहाँ से प्राइमरी की पे क्लिक कर देंगे, तो ये यूनिक बन गया, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, इसको नंबर बना देंगे, या फिर आप टेक्स्ट भी रख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आएंगे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी प्राइस है वो यहाँ से दे सकते हैं, तो इसको नंबर रखेंगे। इसके बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे यूनिट ऑफ प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ यूनिट, अब यूनिट क्या है? यूनिट नेम दे सकते हैं यहाँ पे, यूनिट नेम किलोग्राम है क्या है वो यहाँ पे, तो यूनिट नेम। और एट लास्ट यहाँ पे टोटल करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल भी हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी चीज, जैसे नेम ऑफ प्रोडक्ट है तो नेम ऑफ प्रोडक्ट तो ठीक है, यहाँ पे यूनिट, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर शॉपिंग मॉल जाते हैं आप वहाँ से और आपने एप्पल खरीद लिया, तो एप्पल आपने 2.5 किलो खरीदा, 2.5 किलो यानी 2 किलो 500 ग्राम, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे रखेंगे कर्सर को और यहाँ आ रहा है लॉन्ग इंटीजर, इसको बना लीजिए आप डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल बना लीजिए और यहाँ स्केल में 3 दे दीजिए या 2 दे दीजिए, ठीक है, मैं 3 दे देता हूँ। इसी तरह से यहाँ टोटल में आकर के भी इसको बना लीजिए डेसिमल और इसको कर दीजिए 3। इसी तरह से प्राइस में भी आइए, ठीक है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में आइए और इसको भी डेसिमल बना दीजिए और स्केल में कर दीजिए 3। यहाँ पे 3 कर दीजिए, बस हो गया। टोटल में हमने पहले ही यहाँ पे 3 करना है, यहाँ पे यूनिट नेम में 3 नहीं करना है, यूनिट नेम में आपको रखना है टेक्स्ट, ठीक है। हम बताएंगे कि ये कौन सा यूनिट है, ठीक है। और यहाँ तो बाकी सब कुछ सही है हमारा। अब इसी में हम यहाँ पे जीएसटी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जीएसटी इन परसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर रखेंगे और इसको भी चाहे तो हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो जीएसटी जो लगेगा वो जीएसटी अमाउंट क्या होगा वो यहाँ से निकाल लेंगे, जीएसटी अमाउंट, ठीक है। तो जीएसटी अमाउंट यहाँ से निकल जाएगा, तो जो अमाउंट आएगा उसको भी हम डेसिमल में रखने वाले हैं, तो यहाँ से इसको बना दीजिए डेसिमल, ठीक है, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। तो ये हो गया हमारा, सॉफ्टवेयर तैयार हो गया। अब यहाँ से इसको ओके कीजिए, अब ये इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। अब हमें क्वेरी डिज़ाइन में चल करके कुछ सेटिंग्स करनी है कैलकुलेशन से संबंधित,
तो आइए उसको भी कर लेते हैं। क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिज़ाइन पे जाएंगे और इस वाले बॉक्स में इसको ऐड करा दीजिए। ऐड कराने के बाद एक एक करके इंसर्ट कराते हुए चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है, यहाँ दो बार आ गया है, एक को हम हटा देंगे। बाकी सब ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, एमएनपी, ये हमारी यूनिक की है, जो नंबर एमएनपी में हम देंगे वो यूनिक होगी। यहाँ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, यूनिट, ठीक है, यूनिट नेम, टोटल, फिर यहाँ जीएसटी परसेंटेज, तो बाकी सब ठीक है। अब इसको टोटल करते हैं यहाँ से, ठीक है। टोटल करने की भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे, पहले इधर आके देख लेते हैं क्या नाम दिया हमने, एग्जैक्ट वही नाम देना है हमें, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ लिखना है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। इसको बंद किया, यहाँ इनटू का साइन लगाया और यहाँ पे यूनिट से इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यूनिट से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। और जीएसटी अमाउंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल इनटू 100 अपॉन जीएसटी इन परसेंटेज, ठीक है। तो इसको बंद कर दीजिए। अब बंद करने के बाद इसको रन करवा दीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह से दिखेगा। अब हम चलते हैं, एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं हमारा जो आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं। तो ये तो प्रोडक्ट आईडी अपने मन से आता रहेगा, यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम देना है, यहाँ प्रोडक्ट का नाम देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ कीबोर्ड, ठीक है। और इसकी जो एमएनपी है वो हमने लिखा, यानी कि यूनिक आईडी, ठीक है। आगे बढ़े, अब प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो है 310 रुपये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे यूनिट देना है तो यूनिट 5 दे दिया हमने, यूनिट नेम यहाँ पे देना है तो यूनिट नेम दे देंगे आई टी ई एम आइटम, ठीक है, ये दे दिया, यहाँ ई होगा सिर्फ, आर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ जीएसटी इन परसेंटेज देना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं जीएसटी लगाते हैं तो ये कैलकुलेट होता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 5.5, ठीक है, जैसे 5.5 लिखा हमने, यहाँ पे ये जीएसटी इस तरह से कैलकुलेट होकर आ रही है। ये देखिए बहुत ज़्यादा आ रहा है जीएसटी, इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1550 रुपये पे जीएसटी इतना ज़्यादा नहीं लग सकता। तो हम क्या करेंगे, वापस डिज़ाइन व्यू में एक बार आएंगे, देखेंगे जीएसटी कैलकुलेशन में कहाँ हमने मिस्टेक करी है। देखिए यहाँ इसको 100 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जीएसटी इन परसेंटेज से इसको मल्टीप्लाई करिए और 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए आप, तो बस आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ मैं, तो अब यहाँ पे देखिए अब ये बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं फॉर्म व्यू पे, यहाँ से फॉर्म बना लेते हैं हम, क्वेरी को सेव करने की बात है, यहाँ से क्वेरी को सेव कर लेते हैं हम, इन सबको ले लेते हैं, हमें सबको चाहिए। इसमें से जो आप स्टाइल लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया, इसका नाम यहाँ से चेंज करना है तो आप डिज़ाइन व्यू में जाके नाम भी चेंज कर सकते हैं, अब देखिए ये इस तरह से आ रहा है, इसको यहाँ पे रखेंगे हम और इस पर क्लिक करके और इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे यहाँ से, ठीक है।
ठीक है, ये लिख दिया हमने। हर प्रोडक्ट की अपनी एक यूनिक आईडी होती है जिसे हम एमएनपी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये इतना करने के बाद अब नीचे आएंगे और इसको यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे खींच लेते हैं। यहाँ पे हम सेव का एक बटन बनाने वाले हैं, तो कैसे बनाएंगे बटन आइए देख लेते हैं। यहाँ बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ आपको रिकॉर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए सेव रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं ये सेव रिकॉर्ड। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए आप। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे अगर चेक मार्क लगाना चाहते हैं तो चेक मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो सेव रिकॉर्ड या ये ऐसे चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। टेक्स्ट लगा सकते हैं, यहाँ से पिक्चर दे सकते हैं, हम टेक्स्ट लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ कमांड 19 आ रहा है, फिनिश कर दीजिए आप। तो यहाँ सेव रिकॉर्ड का देख सकते हैं कि बटन बन करके तैयार है हमारा। ठीक है, हम यहाँ से थोड़ा चेंजिंग कर लेते हैं, इसमें इसका कलर वगैरह बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेव का बॉक्स बन करके तैयार है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट का बॉक्स बनाना हो तो क्या करेंगे, नेक्स्ट का बटन तो यहाँ पे क्लिक करते देखते हैं नेक्स्ट का बटन है या नहीं, डिलीट का बटन बना सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे रखा हमने, आइए एक एक करके चेक करते हैं। इसमें तो कहीं डिलीट का बटन नहीं है। नेक्स्ट अगर जाना है आपको तो यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन बना सकते हैं, बनाया। ठीक है, हमें टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट ले लेते हैं और यहाँ से फिनिश कर दीजिए। तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड का भी बटन बन चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद हम इसको थोड़ा साइज में बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद अब हम प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन बनाने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे रखिए, ठीक है, और यहाँ से प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन बनाना है। ठीक है, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, टेक्स्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड का भी बटन बन करके तैयार है आपका। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, सेव का भी बटन बना चुके हैं हम, तो अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से क्लिक करना है फॉर्म व्यू पे। तो ये इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और अब हमें इस पे एंट्री करनी है, डेटा एंट्री करनी है। तो चलिए आइए एंट्री करके देखते हैं कि कैसे ये होता है। नेम ऑफ प्रोडक्ट जैसे हमने रख दिया, कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड रख दिया। नीचे आए एमएनपी नंबर जो भी है, जैसे के से शुरू होकर कोई नंबर होगा। ठीक है, नीचे आएंगे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए 310 रुपये है कीबोर्ड की प्राइस, यूनिट इसकी मान लीजिए 12 बिकी। ठीक है, यहाँ पे यूनिट का नेम दे देंगे आइटम। ठीक है, यहाँ पे 12 के हिसाब से यहाँ पे टोटल आ गया। ठीक है, जीएसटी इन परसेंटेज जो भी लगाना है, इस पे 12% का टैक्स लग रहा है, 12.2% का टैक्स लग रहा है। ठीक है, यहाँ 12.2 मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं देख सकते हैं। ठीक है, तो सेव रिकॉर्ड हमने सेव कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट रिकॉर्ड, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड जैसे ही मैंने किया, यहाँ पे नेक्स्ट वाला ये बन करके आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देंगे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और जो कुछ भी है यहाँ पे भी हम दे सकते हैं। यहाँ से स्क्रॉल करिए, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। ठीक है, नेम ऑफ प्रोडक्ट देते हैं माउस। ठीक है, और यहाँ पे एमएनपी जो भी है तो एम। ठीक है, और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 120 रुपये। नीचे आएंगे कितना भी का, 32, तो यहाँ पे यूनिट नेम कर देंगे, आइटम कर देंगे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे अगर परसेंट लगाना है, जीएसटी लगाना है, तो यहाँ पे लगा सकते हैं 11.2% इस पे जीएसटी है, तो यहाँ पे लगा दिया हमने, तो जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो ये देखिए 430 रुपये जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट होकर आ रहा है। यहाँ पे सेव रिकॉर्ड करेंगे तो ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, और यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे तो नेक्स्ट वाला, और प्रीवियस करेंगे तो देखिए प्रीवियस वाला आइटम हमारे पास आ जाएगा। देखिए मैं आपको करके एक बार दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे प्रीवियस वाला आइटम 310 रुपये वाला आइटम यहाँ पे आ गया। इसके भी प्रीवियस किया तो एक और 310 रुपये वाला आइटम था वो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट आएगा। अब नेक्स्ट करते करते आ गए यहाँ पे, न्यू रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। तो आई
इसके बाद हम इसके लिए रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। यहाँ क्रिएट पे जाएंगे, होम टैब पे, ठीक है। अब इसके लिए हमें रिपोर्ट जनरेट करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे ये देखते हैं। क्रिएट पे चलिए और यहाँ देखिए रिपोर्ट आ रहा है। यहाँ ब्लैंक रिपोर्ट है, रिपोर्ट विजार्ड है, रिपोर्ट डिज़ाइन है, क्वेरी विजार्ड है। तो हमको रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो यहाँ रिपोर्ट पे भी क्लिक करके हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये जैसे तैसे जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये होगा कि रिपोर्ट विजार्ड पे चलते हैं। तो रिपोर्ट विजार्ड पे जाएंगे, हमको जो जो चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे हमको सब कुछ चाहिए, तो सब कुछ हमने ले लिया। सपोज कीजिए कोई एक आइटम आपको नहीं चाहिए, जैसे अगर मान लीजिए अगर आपको नेम ऑफ प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो इधर कर दीजिए, ठीक है। अगर चाहिए तो इधर फिर वापस ले लीजिए, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल्स। तो अगर ग्रुपिंग लेवल प्रियोरिटी ऐड करना चाहते हैं, ये प्रियोरिटी क्या होती है, प्रियोरिटी का मतलब है कि आप किसको पहले रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये प्रियोरिटी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का ऑप्शन आता है। हम सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी को रखना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पोर्ट्रेट फॉर्म में डेटा रख रहे हैं, लैंडस्केप माने चौड़ा हो जाएगा, पोर्ट्रेट मतलब ओरिएंटेशन इसका पोर्ट्रेट रहेगा, वर्टिकल वे में रहेगा, ठीक है। और ये यहाँ से कॉलमर फॉर्म में डेटा चाहिए कि टेबुलर फॉर्म में चाहिए, आप जज कर लीजिए, मैं टेबुलर ही रखता हूँ। नेक्स्ट करते हैं और एक्सेस 2007 के फॉर्म में आगे बढ़ेंगे हम। और यहाँ पे अब रिपोर्ट का प्रीव्यू करने वाले हैं हम, आइए देख लेते हैं रिपोर्ट किस प्रकार से जनरेट होगी हमारी। देखिए रिपोर्ट हमारी इस प्रकार से जनरेट होगी, ठीक है। हम इससे प्रीव्यू से बाहर आते हैं, यहाँ TR हटाना है हमें, TR ये जो लगाए रखा है हमने इसको हमें हटा देना है। इसको हटाते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड कॉस्ट एंड इट्स कॉस्ट, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद व्यू पे क्लिक कीजिए तो ये इस प्रकार से आपको रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे, अब ये देखिए यहाँ पर जो रिपोर्ट आ रही है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करके इसको यहाँ से डिज़ाइन व्यू पे जाकर, यहाँ पे रिपोर्ट है, लेआउट व्यू है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये कॉलम छोटा पड़ जाता है, इस वजह से ऐसी एरर आती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइज बढ़ा लेंगे। तो आइए चलते हैं यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे और इसकी साइज को इनक्रीज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। इसकी साइज इंक्रीज हुई, ये जो अमाउंट है इसकी भी साइज को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से ये हो गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमें रिपोर्ट जो है साफ साफ दिख रही है। अच्छा ये भी कट रहा है हमारा, ये ऊपर वाला, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डिज़ाइन व्यू पे चलेंगे और ये एक बार और देख लेते हैं कौन वाला है, ये GST IN वाला है। तो इसको यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे आइए, GST IN यही वाला है। तो इसको एक काम करते हैं, इस पर क्लिक रखेंगे और इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, तो ये अब ये कटेगा नहीं। यहाँ पे देखिए ये वापस वैसे ही आ चुका है। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम रिपोर्ट भी अब यहाँ पे देखिए एक और ये प्राइस वाला, प्राइस ऑफ जो है इसको भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ डिज़ाइन व्यू पे आएंगे और ये प्राइस ऑफ जो लिखा हुआ है यहाँ पे आ करके और इसको थोड़ा चौड़ा कर दीजिए, बस हो गया। यहाँ पे क्लिक कीजिए, अब वो भी आपको सही सही दिखाई पड़ेगा। तो देखिए प्राइस ऑफ प्रोडक्ट भी आ गया, सब कुछ आ चुका है। तो आई होप की बात समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।